राज्यसभा डिप्यूटी चेयरमैन एनडीए अभ्यर्थी हरिवंश नारायण सिंह एन्नికయ్యారు विपक्ष तरफ पोटी चेसिन आरजेडी एंपी मनोज झा गेलिचारु डिविजन लेकुंडाने हरिवंश नारायण गेलिचारु अयिते एनडीए अभ्यर्थी की वैसीपी मद्दतु प्रकटिंचगा टीआरएस एन्निककु दूरंगा उंदी। At any stage, if a motion is carried, the remaining motion will become infectious and will not be put to the vote of the House. That's the procedure. I shall now put the motion moved by Sri Jagat Prakash Nadda and duly seconded by Sri Thavarchand Gehlot to vote. The question is, Sri Harivansh be chosen as the Deputy Chairman of Rajya Sabha. Those in favour will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Thank you. Though two good candidates' names have been proposed, but one good candidate only can be elected. So I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the deputy chairman of the Rajya Sabha. Kaha Harivansh ji, where is he? Harivansh ji can be please escorted to his seat here, one from this side and one from the other side. Escort karke hum aaram se aaram touch nahi karna magar escort karna. संक्षिप्त में लीडर्स और दी पार्टीज एंड ग्रुप्स कैन ऑफर फेलिसिटेशन बिकॉज दैट्स अ रेस्पेक्टेबल फॉर्मेलिटी. लीडर ऑफ द अपोजिशन अजय जी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्री हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं डिप्टी चेयरमैन बनने पर. ये दूसरी दफा डिप्टी चेयरमैन इस सदन के बने और पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि बहुत कम समय में इस पद पर रहकर सभी दलों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं, उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है. वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं और इस फील्ड से जो आते हैं उनके लिए सभी बराबर होते हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी तीनों तरफ ध्यान देंगे, दाएं बाएं और सेंटर. आमतौर पे विपक्ष को ये बड़ी शिकायत रहती है, कोई भी विपक्ष हो, कि उनकी तरफ से कम ध्यान दिया जाता है. और मैं यहां बताना चाहता हूं कि आमतौर से राइट की तरफ और सेंटर की तरफ ज्यादा नजर जाती है, लेफ्ट की तरफ कम जाती है. हालांकि लेफ्ट वाले हम लेफ्टिस्ट तो सेंटर में हैं, लेकिन हम लेफ्ट ऑफ सेंटर जो है उसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. और ये ऐसा सदन है कि जहां हम देश के हित में सब मिलकर काम करते हैं और जिसमें
माननीय चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो या कोई भी चेयरपर्सन हो, उसका हमेशा प्रयास रहता है कि सबसे सभी लोगों को अवसर मिले, बड़े ग्रुप को, सरकार को भी, विपक्ष को भी, छोटे से छोटे दल के